आज की इस वीडियो में मैं आपको एस टी एम एल को यूज करते हुए for आप लोगों ने अक्सर फॉर्म फिलअप किया होंगे जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पे आप क्या करते हो एक फॉर्म फिल करते हो जिसमें क्या होता है आपसे पूछा जाता है आपका फर्स्ट नेम क्या है आपका लास्ट नेम क्या आपके फादर्स का फर्स्ट नेम क्या है आपके फादर का लास्ट नेम क्या है आपका रिलीजन क्या है आर यू मुस्लिम और नॉन मुस्लिम आपकी जेंडर के बारे में पूछा जाता है मेल है फीमेल है और अदर्स की कैटेगरी में आते हैं इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी के बारे में पूछा जाता है तो इस तरह आपसे फॉर्म के जरिए क्या की ली जाती है इनपुट ली जाती है आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है इस तरह जब भी हमारे पास किसी से हमने यूजर से इनपुट लेनी हो तो हम फॉर्म्स को इस्तेमाल कर तो जब हमने फॉर्म को क्रिएट करना है तो हम फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म के टैग को यूज करते हैं फॉर्म के टैग को स्टार्ट किया बीच में हमारे पास फॉर्म के एलिमेंट यूज होंगे और देन हम फॉर्म को क्लोज कर देंगे द फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट वो कह रहा है फॉर्म क्या है एक कंटेनर है जिसमें आप डिफरेंट किस्म की इनपुट लेते हैं वो इनपुट किस तरह की हो सकती है टेक्स्ट फील्ड के जरिए आप कोई टेक्स्ट ले सकते हैं चेक बॉक्सेस रेडियो बटन सबमिट बटन वगैरह को इस्तेमाल करते हैं एज ए फॉर्म एलिमेंट द इनपुट एलिमेंट द HTML टी एम एल इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज फॉर्म एलिमेंट जो HTML टी एम एल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट है वो आपका इनपुट का एलिमेंट है एंड इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मैनी वेज एक इनपुट एलिमेंट आप मल्टीपल वेज में डिस्प्ले करा सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने एट्रीब्यूट की टाइप में क्या लिखा है तो form नहीं होता, जो उसके एलिमेंट्स आपने लिखे होंगे वो विजिबल होंगे ऑल्सो नोट दैट द डिफॉल्ट इनपुट फील्ड इज ट्वेंटी करेक्टर और हमेशा याद रखें जो आपकी विथ है इनपुट फील्ड की वो कितनी होती है ट्वेंटी करेक्टर होती है हमारे पास इनपुट एलिमेंट हमने कहा था जो आप टाइप देंगे उसी तरह की आपको इनपुट मिलेगी डिस्क्रिप्शन साथ में दी गई है इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखोगे वो कह रहे हैं डिस्प्ले आर सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड तो वो आपको क्या करेगा एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड डिस्प्ले करा देगा इनपुट टाइप रेडियो दोगे तो डिस्प्ले या रेडियो बटन आपको क्या करेगा डिस्प्ले में रेडियो बटन शो करा देगा फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मैनी च्वाइस यानी आपके पास मल्टीपल च्वाइस है तो रेडियो बटन के जरिए आप जस्ट वन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इनपुट टाइप चेक लाइक आपसे अगर आपकी हॉबीज के बारे में पूछा जाता है तो आप क्या करते हो मल्टीपल च्वाइस दे सकते हो यानी मल्टीपल चेकबॉक्स को चेक कर सकते हो डिस्प्ले या चेकबॉक्स इसमें आपको एक चेकबॉक्स का साइन डिस्प्ले कराया कराया जाता है फॉर सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑफ मैनी चॉइसिस जिसमें आप कोई भी सिलेक्ट ना करें बेशक और चाहे मल्टीपल चॉइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं इनपुट टाइप सबमिट देंगे तो डिस्प्ले या सबमिट बटन वो आपको क्या करेगा सबमिट बटन डिस्प्ले करा देगा आपने जो भी फॉर्म फिल किया है तो एंड पे आपने उसे सबमिट भी तो कराना है तो उसके लिए आप एक बटन यूज करोगे सबमिट का इनपुट टाइप इक्वल टू बटन डिस्प्ले या क्लिक बटन तो वहां पे वो आपको क्लिकेबल बटन डिस्प्ले करा देगा सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट फील्ड को द इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइन अ सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर टैक्स इनपुट अगर आप इनपुट टाइप टैक्स लिखोगे तो वो आपको क्या करेगा सिंगल लाइन इनपुट फील्ड देगा यानी आप टैक्स करने के लिए सिंगल लाइन आपको दे देगा जहाँ पे आप अपनी इनपुट एंटर कर सकते हैं एग्जाम्पल फॉर्म विद इनपुट फील्ड फॉर टैक्स फॉर्म लिखने का तरीका क्या है टैक्स फील्ड को अगर आपने एंटर करना है सबसे पहले आप क्या लिखेंगे लेबल लेबल फॉर आपने क्या करना है फर्स्ट नेम जो भी आप लेबल के दरियान में लिखोगे क्लोज करने के दरम्यान इन बिटवीन

नेम भी हमने उसका एफ नेम ही कर दिया और फिर हमने ब्रेक के टैग को यूज कर दिया अब यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा सबसे पहले ब्राउजर में फर्स्ट नेम देन आपको एक इनपुट फील्ड दिखाई देगी जिसमें आप टेक्स्ट अपना एंटर कर सकते हैं like लाइक अपना फर्स्ट नेम एंटर कर सकते हैं लेबल फॉर लास्ट नेम एल नेम हमने इसका कोड नेम कर दिया एल नेम और बीच में लिख दिया लास्ट नेम लास्ट नेम आपको वेब ब्राउजर पे दिखाई देगा लेबल को हमने क्लोज कर दिया ब्रेक का टैग यूज किया अगेन इनपुट टाइप क्या टेक्स्ट है आईडी कौन सी रखेंगे जो आपने फॉर्म में दी हुई है एल नेम रखी नेम में भी हमने एल नेम करके इसे क्लोज कर दिया फॉर्म आपका क्लोज किया और हम क्या कर रहे हैं इसी को यही जो हमने अभी सारी कोड पर देखा है इसको हम अब रन करेंगे बेसिक टैग हेडिंग दी फॉर्म की जो आउट देखी थी वो हमने यहाँ पे कॉपी की और कुछ अगर आपने पैराग्राफ वगैरह लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं और बॉडी के टैग क्लोज किया इस्टीम के टैग को क्लोज़ किया मैं इस कोड को रन करने लगी हूँ कंट्रोल कॉपी किया और मैंने जाके नोट पैड में इसे पेस्ट किया और सेव कर लिया जैसे ही मैंने सेव किया मैं इसको रन करने लगी हूँ रन करके मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊंगी जी स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग इसकी आउटपुट देख सकें स्क्रीन जैसे ही मैंने शेयर की तो मैंने आपको कहा था लेबल में आपको क्या सबसे पहले नजर आ रहा है लेबल सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखा था जो लेबल्स के दरमियान में लिखा उसके बाद हमने टेक्स्ट टाइप इनपुट फील्ड एंटर की थी टेक्स्ट फील्ड एंटर की जिसमें आप अपना नेम लिखेंगे देन हमने लेबल में लास्ट नेम लिखा था और इनपुट फील्ड ली और इस तरह हमने क्या किया टेक्स्ट इनपुट फील्ड क्रिएट करना सीख ली हमेशा याद रखो बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी है आपकी टेक्स्ट इनपुट फील्ड की ट्वेंटी करैक्टर होती है इसके बाद हम इसकी अगली टाइप देखते हैं कि फॉर्म में हम और दूसरी टाइप कौन सी यूज कर सकते हैं जी रेडियो बटन द इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो डिफाइंस डिफाइन रेडियो बटन जब आप इनपुट टाइप में रेडियो रखोगे तो क्या आएगा आपके पास रेडियो बटन बन जाएगा रेडियो बटन लेट्स अ यूजर सेलेक्ट वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस इसमें आप जस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस लाइक कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल अ फॉर्म विद रेडियो बटन फॉर्म को हमने क्रिएट किया इनपुट टाइप रेडियो इसको अगर हम उल्टा पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है लेबल में हमने क्या किया आईडी देनी है फॉर्म में जो लिखेंगे हम बना रहे हैं जेंडर के लिए अब देखो जेंडर में या तो आप मेल हो सकते हो या फीमेल हो सकते हो अगर दोनों नहीं हो तो कोई तीसरी कैटेगरी अदर की में होगी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमने कहा मेल बनाना है हमने मेल या आपको वेब ब्राउजर पे नजर आ जाएगा फॉर्म में हमने मेल रख दिया लेबल को क्लोज कर दिया इनपुट टाइप क्या की रेडियो कर दी वहां पे हमने टेक्स्ट की थी आईडी में हम वो लिखेंगे जो हमने फॉर्म में लिखा था तो मेल ही लिख दिया नेम हमने कहा कि जेंडर है जेंडर बता रहे हैं हम उसकी तो वैल्यू में भी हमने जो आई में लिखा था मेल ही लिख दी अब ये हमारे पास एक आइटम आ गया दूसरे में हमने मेल के बाद फ़ीमेल भी तो रखना है लेबल फॉर फीमेल किया फीमेल लिखा वेब ब्राउजर पर फीमेल दिखाई देगा लेबल को क्लोज किया ब्रेक के बाद इनपुट टाइप रेडियो है आईडी में हम क्या लिखेंगे जो फॉर्म में लिखा था फीमेल नेम क्या है जेंडर ही है वैल्यू में हम अगेन फीमेल लिख देंगे कैटेगरी में क्या लिखना है अदरस लिखना है लेबल फॉर अदर अदर वेब ब्राउजर पे अदर दिखाई देगा इनपुट टाइप रेडियो आईडी में भी हमने क्या लिखना है जो फॉर्म में लिखा था अदर नेम जेंडर वैल्यू अदर और फॉर्म को हमने क्लोज कर दिया ये एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं अब आप लोगों को रन करके दिखाऊंगी जी रेडियो बटन वाली एग्जाम्पल को मैंने कॉपी किया नोट पैड पे रेडियो बटन फॉर्म इनपुट लेबल यही कोड मैंने आपको डिटेल में समझाया था फॉर्म के टैग को क्लोज किया बॉडी के टैग को क्लोज किया अब हमें क्या मेल फीमेल दिखाई देगा और साथ में चूंकि इनपुट टाइप रेडियो रेडियो बटन दिखाई देंगे में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस कोड को रन करने के बाद और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या डिस्प्ले नजर आता है अच्छा इसे हम कर रहे हैं रन ताकि हम देख सकें क्या चेंज हमें नजर आ रहा है जी आप लोगों के साथ मैं अभी करती हूँ स्क्रीन शेयर जी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर होने लगी है अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके पास रेडियो बटन की हेडिंग दिखाई दे रही है और अब आपके पास मेल फीमेल और अदर्स के साथ आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं रेडियो बटन दिखाई दे रहे हैं मैंने मैंने मैं मैं फीमेल मैंने फीमेल की की ऑप्शन ऑप्शन को कर कर लिया अब एक एक वक्त में ही सकती अगर अदर्स करूंगी तो मैं फीमेल्स की नहीं कर सकती तो इस तरह हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं रेडियो बटन को यूज करते हुए अब हम तीसरे टाइप देखने लगे हैं बॉक्सेस की द इनपुट टाइप इक्वल टू बॉक्स डिफाइन अ बॉक्स जैसे इनपुट टाइप में चेक बॉक्स लिखेंगे तो वो क्या करेगा आपके डेटा के साथ चेक बॉक्स डिफाइन कर देगा चेक बॉक्स लेट अ यूजर सेलेक्ट जीरो और मोर ऑप्शंस ऑफ ऑफ अ अ लिमिटेड नंबर चॉइसेस फॉर्म विद चेक बॉक्सेस हमने क्या करना है सबसे पहले लेबल बनाते हैं लेबल फॉर व्हीकल वन आई हैव अ बाइक मैंने कहा था लेबल में जो भी चीज टेक्स्ट होता है वो आपको वेब ब्राउजर पे दिखाई देगा तो यहां पे हमें क्या दिखाई देगा आई हैव अ बाइक क्योंकि हमने ये लेबल के अंदर लिखा हुआ है अब इधर हमने फॉर्म में क्या लिखा है वहीकल वन तो हम इसे आईडी में लिख देंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स यानी आपको चेक बॉक्स नजर आएगा किसके साथ आई है बाइक के साथ आईडी हम वही देंगे जो फॉर्म में दी थी वहीकल वन नेम वहीकल वन वैल्यू क्या कर देंगे बाइक दे देंगे इसमें कोई भी डाटा नजर नहीं आता चाहे आप वहीकल वन ही कर दे दूसरा लेबल हमने बनाया वहीकल टू आई है कार और उसी तरह हमने लेबल को क्लोज किया हमारे पास अब वेब ब्राउजर पे आई है बाइक दिखाई देगा इनपुट टाइप चेकबॉक्स आई डी हम वही देंगे जो फॉर्म में दी थी नेम में भी हमने व्हीकल टू ही दे दिया और वैल्यू में हमने कार कर दी इसी तरह हमने थर्ड लेवल बनाया आई हैव अ बोर्ड और चेक बॉक्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स थी आईडी में वैल्यू में वही लिखेंगे जो कि हमने फॉर्म में लिखा था नेम में भी हमने वही लिखा और वैल्यू में हमने बोर्ड कर दिया ये हमारे पास एग्जाम्पल थी इसको मैं रन करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसका क्या आपको नज़र आता है कंट्रोल कॉपी और ये मैंने पेस्ट की और मैं आपको रन करके दिखाती हूँ पहले आप लोग बल्कि नोट पैड देख लें कि हमने जो कॉपी किया हेडिंग में चेकबॉक्सेस आ गया पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकते हो अब यहाँ पे इन्होंने सबमिट का बटन यूज किया इसे अभी छोड़ दें जस्ट आपने इनपुट फॉर्म यूज़ करना है एक्शन नहीं यूज़ करना जस्ट फॉर्म का टैग यूज़ करें इतना सब हम लिख रहे हैं ठीक है इसे हमें यूज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जस्ट आपको चेक चेकबॉक्स के बारे में बता रही हूँ ये मैंने सेव कर दिया ठीक है इसको भी हम यहाँ से अभी हटा देते हैं क्योंकि मैं आप लोगों से कोई सबमिट की चीज़ नहीं ले रही तो ये हमने देखा था लेबल व्हीकल वन व्हीकल टू व्हीकल थ्री के नाम से बनाया उनके साथ इनपुट टाइप हमने चेक बॉक्सेस लिख दी और जो चीज़ें हमने आईडी लिखनी थी आईडी लिखी नेम लिखा वैल्यू लिखा और हमने फॉर्म के टैग को क्लोज किया बॉडी के टैग को क्लोज किया एस के टैग को क्लोज किया अब मैं इसे रन करने लगी हूँ रन करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है जी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ देन आप लोग आउटपुट देख सकेंगे जी स्क्रीन शेयर की अब आप लोग देख सकते हैं हेडिंग में बॉक्सेस नजर आ रहा है इनपुट टाइप चेक डिफाइन चेक बॉक्स हमने जो कुछ लेबल में लिखा था आई अ बाइक आई अ कार आई हैव अ बॉट बोर्ड के आगे कार के आगे बाइक के आगे आप लोगों को क्या दिखाई दे, दे रहे हैं तो इस तरह हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स करने से आपको आपके वेब पेज पे चेक बॉक्सेस दिखाई देंगे जिस तरह की आपको इनपुट टाइप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपको रेडियो बटन का इस्तेमाल करना होगा देन आप रेडियो बटन यूज करेंगे अगर आपको

इनपुट लेते हो और वो फिर बाद में स्क्रिप्ट यूज करते हुए हो, क्या होता है डाटा को प्रोसेस किया जाता है द फॉर्म हैंडलर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म सेक्शन एट्रीब्यूट द फॉर्म हैंडलर है उसे आप कहां करते हो फॉर्म्स के एक्शन एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करते हो जैसे अ फॉर्म विद द सबमिट बटन फॉर्म एक्शन ले क्या एक्शन ले कहां पे जाके इसको स्टोर करवाए तो हमने यहां पे वैसे ही अभी लिख दिया कि ये पेज है इधर जाके इसे स्टोर करा दे कि आपने जो इनपुट ली है वो कहीं स्टोर भी तो होगी अब हम क्या कर रहे हैं लेबल फॉर

एक्शन वाली जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा फॉर्म को क्लोज किया ये एग्जांपल है इसे हम रन करके देखते हैं कंट्रोल ए कॉपी इसे मैं जाके नोट पैड में कर रही हूँ कॉपी आप लोगों को शो कराती हूँ जी पहले आप लोगों को टेक्स नोट पैड पे दिखा दू टेक्स्ट जी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं बेसिक टैग एच फॉर्म हमने क्या कहा फॉर्म एक्शन एक्शन पेज कहाँ पे जाके स्टोर करे लेबल क्या ले रहे हो फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स ले रहे हो तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखोगे लेबल फॉर लास्ट नेम आपने लास्ट नेम लिखना है और इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू क्या की सबमिट और फॉर्म को क्लोज कर दिया बॉडी को क्लोज किया एस को क्लोज किया अब मैं क्या करने लगी हूँ इस कोड को रन करने लगी हूँ ताकि हम देख सकें कि हमारे पास क्या आउटपुट आई है जी स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ देन आप लोग इसका रिजल्ट देख सकेंगे अपनी अपनी स्क्रीन पे जी हेडिंग में आपको एस टीम फॉर्म नजर आ रहा है फर्स्ट नेम में आप अपना नाम लिखोगे लास्ट नेम में अपना नाम दोगे सबमिट का बटन आ रहा है जहाँ पे हमने एक्शन लिखा था अब मैं इस पर क्लिक करूंगी अगर तो ये वेबसाइट का होता तो ये उधर जाके आपको लिख को मैसेज आ जाता कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड दिस एंड दैट लेकिन अब चूंकि हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं तो मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगी ये क्या करेगा मुझे कुछ नहीं दिखाएगा कहीं सबमिट नहीं होगा क्योंकि कहीं से स्टोर नहीं करा रही तो द पेज कांट बी डिस्प्ले मुझे हम क्या कर सकते हैं अपने सबमिट की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं तो ये था हमारा आज हमने फॉर्म्स की डिफरेंट टाइप्स देखी कि डिफरेंट टाइप जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो टाइप को यूज कर सकते हो उम्मीद है मुझे आपको आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा और आप लोगों को जो ये टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी ना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़